Rahim, respected Professor Dr. Shahid Munir, Vice Chancellor, University of Jhang, Mr. Sayyid Maaz Mahmood, President, All Pakistan Business Forum, Professor Dr. Salim Mazhar Sahab, Dean, Oriental Learning, Dr. Tayyab Sahab, and Professor Taqi Zaid Bhatt Sahab, he is representing University of Punjab. And he is the senior most professor, and he is representing Vice Chancellor also. हमने इस समिट को 2nd और 3rd अप्रैल के लिए अनाउंस किया था और इसकी तैयारियां तकरीबन 4 to 5 मंथ्स पहले हमने शुरू कर दी थी. उसमें हमारे सारे पार्टनर्स, जिसमें यूएमटी, आईआरपी, पीएसएफ, आफाक, अखुवत, एसआरसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, टेक्नोलॉजी टाइम्स, नेशनल अलायंस फॉर सेफ फूड फॉर पुटिंग इट एंड अदर्स जो थे वो इसके अंदर हमारे साथ शामिल थे. एक दिन मुझे वाइस चांसलर साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि पिछले आपके फंक्शंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी के मेन कॉरिडोर में होते हैं, तो इस दफ़ा कुछ वजूहात की बिना पे आप इस फंक्शन को वहाँ ना करें. इतनी बात करके उन्होंने कहा जी बस. मुझे फिर फिक्र लाहक हो गई कि आगे ये कहाँ पे होगा, इसका वेन्यू कहाँ पे होगा, हम इसके लिए क्या करेंगे. अनाउंस भी हो चुका है हर चीज़, और ये आज से कोई 2 हफ्ते पहले की बात है. तीसरे दिन उन्होंने फिर बुलाया और फरमाया कि आप इसको कैम ले जाएं, CEMB जाएं. मेरी तैयब साहब से बात हो गई है, आप जगह को देखें और वहाँ पे इसको प्लान करें. मैं अपनी और की टीम के साथ यहाँ पे आया, तैयब साहब से मिले और हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी और उसको प्लान किया. 4 दिन पहले जो चीज़ मुझे नामुमकिन नज़र आ रही थी वो अब आपके सामने है, जिसका रिज़ल्ट हमने एक बहुत ही कामयाब इनोवेशन समिट की सूरत में किया है. और इसके लिए हमने एंडलेस एफर्ट्स की हैं, दिन रात एफर्ट्स की हैं, क्योंकि जगह नहीं थी. पहले हम, जैसे आपको मालूम है, स्टॉल बुक किया करते थे, उसके लिए हमने टेंडर कर दिया हुआ था, वो टेंडर कैंसिल किया, नए वेंडर को हायर किया और उसमें ये सारा जो सिस्टम आपने 2 दिनों में देखा ये हमने सारा सेटअप किया, स्टॉल अलाट किए. इसका हमें ये फ़ायदा हुआ, जगह आपके लिए वसी हो गई, स्टॉल ज़्यादा हो गए. इस दफ़ा तकरीबन 60+ स्टॉल्स थे, 375 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्प्ले की गई. और एक और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने यहाँ पे विजिटर्स को लाना है. उसके लिए हमारे पार्टनर्स ने और स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जिनमें ऑरिक के फोकल पर्सन मौजूद हैं और जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की हुई है, उन्होंने स्टूडेंट्स जो हैं वो भेजे. और आपने देखा कि कल 9 बजे से लेके आज 3 बजे तक हमारा हाउस जो है वो फुल रहा, पैक रहा. इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए, इंडस्ट्री के लोग आए, उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा, इंफॉर्मेशन ली, बहुत सारी प्रोडक्ट में उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया. और इस तरह हमारा मकसद पूरा हो गया कि जो हमारे मौजूदा फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करके लोगों को अट्रैक्ट करना चाहा, वो उसमें कामयाब हो गए. और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो हमारे पाक नेवी के स्टॉल में रहा. ये फर्स्ट टाइम हमारे इनोवेशन में आए
इन्होंने अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले किया, और हमारे ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स ने और जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे मुख्तलिफ स्कूलों के, उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स के साथ और ऑफिसर्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, जो इन्होंने वेपन्स डिस्प्ले किए हुए थे उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन ली, और बेतहाशा फोटोग्राफी हुई, और सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी जो है वो इनके स्टॉल की हुई। इससे हमें ये एक मिला कि हम नेक्स्ट टाइम बाकी दोनों फोर्सेस को भी इनवाइट करेंगे, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वतन के दफा के लिए बनाई हुई हैं, और वो प्रूव भी करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी से इनके लिए नेक्स्ट समिट जो कि नाइन्थ, इंशाल्लाह नाइन्थ इनोवेशन होगी, उसमें इनको दावत देता हूँ कि ये बाकी लोगों के साथ आके अपना स्टॉल जो है वो डिस्प्ले करें। इसके अलावा मैं आप सब पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से मशकूर हूँ, अपने वाइस चांसलर का, तैयब साहब का, तैयब साहब ने जगह दी, वो दिन रात हमारे साथ रहे, उनकी टीम हमारे साथ थी, उन्होंने हमें हर किस्म की फैसिलिटी दी और ओपन हैंड दिया कि हमें जितनी जगह मौजूद है, जितनी जगह चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए वो आप ले लें, जिसमें ये खूबसूरत हाल, 5 सेशन यहाँ पे हम रन कर रहे थे जिनमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स थी, मुख्तलिफ लोग अपनी जो इनोवेशंस हैं उसको प्रेजेंट कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने रूम्स प्रोवाइड किए हमें। इसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गया कि हमारे पास इस दफ़ा पोस्टर डिस्प्ले जो हैं वो पिछली दफ़ा से बहुत ज़्यादा थे। पहले दिन तकरीबन 55 पोस्टर्स डिस्प्ले किए गए, दूसरे दिन 40 डिस्प्ले किए गए, और उसमें स्टूडेंट्स ने अपना जो एमफिल का या एमएस का या बीएस का काम था वो प्रेजेंट किया। आखिर में मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आपने और की टीम और बाकी हमारे पार्टनर्स के साथ मिल के इस इवेंट को कामयाब बनाया, और मैं समझता हूँ कि हमारे इन हालात में जिसमें हम फंस गए थे उसमें ये एक बहुत कामयाब इवेंट है। थैंक यू।